तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कैलाश चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। योग भगा है योग, और हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी, जो सालों से योग करते आए हैं। योग का क्या महत्व है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने सर ये भी कहा है कैलाश जी कि योग ने कोरोना काल में लोगों को एक रास्ता दिखाया है, लोगों को योग से जोड़ा है। सबसे पहले तो मैं पूरे देश को और विश्व को योग दिवस की इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुभकामना देता हूँ। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को जो संबोधित किया और योग के महत्व को बताया, और योग आज पूरे विश्व में जिस तरह से फैला है, तो 2016 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस जब यूनेप के अंदर रखा गया और उसके बाद में स्वीकृति मिली, आज पूरा विश्व योग के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ करता जा रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य है वो बोतलों में बंद नहीं मिलता, उसके लिए हमें स्वयं प्रयत्न करना होता है। और निश्चित रूप से आज ये योग दिवस है और इसके ऊपर मैं स्वयं सुबह जल्दी 4 बजे उठकर योग करता हूँ और इसका अनुभव महसूस करता हूँ। और आदमी जो समय सोने का होता है, उस समय अगर सुबह 4 बजे उठकर अगर 2 घंटे अपने शरीर के ऊपर समय देता है, तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से हम स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ होगा। और डबल एनर्जी के साथ में हम सुबह उठकर काम करेंगे तो जो काम हम अब कर रहे हैं उससे भी अधिक एनर्जी के साथ में काम कर पाएंगे। तो मैं सोचता हूँ आज का दिन निश्चित रूप से योग दिवस है, लेकिन हमें नित्य योग करना चाहिए और योग निश्चित रूप से नित्य करेंगे, यही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कही है। और इस कोरोना के काल के अंदर भी आज जो भी जिसकी इम्यूनिटी पावर अधिक थी वो स्वस्थ रहा, और योग अगर करेंगे तो चाहे कोरोना हो या अन्य बीमारी है, उनसे हम निश्चित रूप से निजात पा पाएंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि योग स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर ले जाता है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है, तो यानी योग के काफी फायदे हैं। ऐसा ही, योग से प्राणायाम, धारणा, साधना जो भी करते हैं और समाधि की ओर जाते हैं, तो हमें जो आज इस भागम भाग की दौड़ है, जो आदमी को समय नहीं है या उनके इतना बर्डन रहता है, तो उसके लिए योग से एक शांति मिलती है और उससे आदमी का जो भी टेंशन होती है वो भी मुक्ति मिलती है। तो प्राणायाम है, आसन है, और इसके रनिंग है, एक्सरसाइज है, ये सारे स्वस्थ रहने के लिए माध्यम है। और मैं सोचता हूँ कि आज का दिन इस विश्व योग दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें सबसे बड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का योगदान रहा कि इस योग को भारत से ले जाकर आज पूरे विश्व के अंदर इसको अपनाया जा रहा है और पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।